इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर है राजस्थान के लिए ही, क्योंकि आज राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश कर रही है। तो भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में प्रवेश होने वाला है। तो आज एमपी बॉर्डर को क्रॉस कर लिया जाएगा। शाम 7 बजे एमपी से अब राजस्थान में एंट्री होने वाली है। चवली गांव में राहुल गांधी विश्राम करेंगे। एक किसान के खेत में आज रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। कल सुबह 6 बजे झालरा पाटन से यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी की बॉर्डर को क्रॉस कर लिया जाएगा, इसके बाद राजस्थान में प्रवेश। और सबसे पहले आपको बता दें कि किसान के घर में रात्रि विश्राम है। कल से साफ तौर पर जो 50 किलोमीटर तक राहुल गांधी एक दिन में चलेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तमाम लोग जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त ग्राफिक के जरिए, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं आपको इस यात्रा में दिखाई देंगे। तो शाम 7 बजे जैसा कि लगातार आपको बता रहे हैं कि एमपी से राजस्थान में एंट्री होनी है। तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद होंगे। प्रदेश कांग्रेस जो है राजस्थान की, वो तैयार है। रैली को सफल बनाना मकसद है। झालरा पाटन के काली तराई से 14 किलोमीटर की यात्रा, पीसीसी चीफ डोटासरा होंगे, मंत्री रामलाल जाट होंगे, चवली गांव पहुंच गए हैं, मंत्री संदीप चौधरी भी चवली गांव पहुंच गए हैं। तो आज का चवली गांव जो आपको बता दें कि रौनक देखने को मिल जाएगी, क्योंकि राहुल गांधी यहां आएंगे, एक किसान के घर में शरण लेंगे, रात गुजारेंगे, कल से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो राहुल गांधी देश भर में अब तक हुई भारत जोड़ो यात्रा के मुकाबले राजस्थान में सबसे ज्यादा चलेंगे। देखिए, यहां पर राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहां पर पहला कांग्रेस शासित राज्य है।